तिम्नासा अपने घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, जहां वह अपने सभी जान पहचान वालों को बुलाती है। बालवीर भी अपनी माँ बालपरी के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन अचानक से जोरों का तूफान आता है और बालवीर पे वहाँ का झूमर गिर जाता है और वहीं पे बालवीर की डेथ हो जाती है। सीआईडी भी उस पार्टी में आई हुई थी, तो वह वहाँ की अच्छे से तलाशी लेती है। तो सीआईडी को पता चलता है कि वह झूमर तूफान की वजह से नहीं गिरा है, बल्कि किसी ने तो भी उस झूमर की रस्सी काटी हुई थी, जिस वजह से वह झूमर गिर गया। सीआईडी सभी की तलाशी लेती है और उन सभी को अच्छे से देखकर तुरंत समझ जाती है कि बालवीर पर झूमर किसने गिराया है। तो दोस्तों, क्या आप इन सभी को ध्यान से देख के बता सकते हो कि बालवीर पर झूमर किसने गिराया है? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, झूमर की रस्सी बापूजी ने काटी है, क्योंकि झूमर की रस्सी काटते समय बापूजी की उंगलियां कट गई होंगी, इसलिए आप उन्हें देखोगे तो उनकी उंगलियों से खून निकल रहा है और झूमर की रस्सी पे भी खून लगा हुआ है। मतलब उन्होंने ही झूमर की रस्सी काटी है, जिससे बालवीर की मौत हो गई। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।